2023 की फर्स्ट हार्वेस्टिंग की वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। वीडियो को देखिएगा एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो में न केवल मैं आप लोगों के साथ हार्वेस्टिंग शेयर करने लगा हूँ, साथ ही साथ हार्वेस्टिंग के बाद पौधों की क्या मेजर इम्पॉर्टेंट केयर करनी चाहिए जो कि कई लोग नहीं कर पाते और उसी के कारण लोगों को जो इसका प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाता पौधों का, तो आज सभी के ऊपर बात करेंगे। बस वीडियो को देखना एंड तक ताकि फुल इन्फॉर्मेशन समझ आए। हाफ इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की बहुत खतरनाक होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एकदम छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये हमने ब्रोकली ग्रो करी थी फ्रेंड्स आज के 2 महीने पहले, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं इसे आज फाइनली हार्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कोई भी गार्डनर होता है जब वो किसी भी बीज को लगाता है तो ये उसका हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इसके लिए कई सारे ग्रोथ साइकिल से प्लांट गुजरता है जिसमें कि हम उसकी केयर करते हैं। पेस्टिसाइड हो गया, उसका ट्रांसप्लांटेशन हो गया, उसके अंदर हमें फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है और पॉलिनेशन भी कराना पड़ता है। पौधों में इतने सारे साइकिल्स को कंप्लीट करवाने के बाद जब हमें फाइनल हार्वेस्ट मिलता है तो उसकी हैप्पीनेस अलग ही रहती है। यहाँ पर मैंने ब्रोकोली को फाइनली हार्वेस्ट कर लिया है। टेरेस गार्डन में लग रही और भी बहुत सारी ब्रोकोली हैं भी, बट मैंने इसलिए हार्वेस्ट नहीं किया क्योंकि जितना मेरी यूज़ में था उतना ही मैंने अभी हार्वेस्ट किया। बाकी मैं हार्वेस्ट कल या परसों करूँगा, तो उसका भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही पब्लिश कर दूँ। साथ ही साथ अभी गार्डन में हार्वेस्ट करने के लिए और कुछ नहीं है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। यहाँ पर मैंने ब्रोकली और टमाटो दोनों चीज़ की सीडलिंग्स एक साथ ही डाले थे, बट आप लोग अंतर देख सकते हो कि जितने भी हमारे ये कैबेज वर्गी सब्जियां होती हैं या जितनी भी कैबेज वाले कैटेगरी की सब्जियां होती हैं वो बहुत ही जल्दी हमें हार्वेस्ट देने लगती हैं। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है या एक डिसएडवांटेज ये है कि जितनी भी हमारी कैबेज फैमिली की सब्जियां होती हैं वो केवल बस एक ही बार हमें हार्वेस्ट देती हैं। उसके बाद जो उनका प्लांट होता है या जो उनका सीडली सैपलिंग होता है वो ख़राब हो जाता है, फिर हमें उसे हटाना पड़ता है। साथ ही साथ मैंने जैसा कि अभी आप लोग को बताया कि मैंने साथ ही में ब्रोकोली और टमाटो की सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया था, और अब मेरी जो ब्रोकोली है वो फाइनल हार्वेस्टिंग पे चल रही है और जो टमाटो है अभी उसमें बस फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, छोटे छोटे टमाटो बन रहे हैं। तो ये है साफ साफ अंतर जो पता चल रहा है कि पौधों में कितना अंतर है। अगर आप लोग को जल्दी हार्वेस्ट चाहिए तो आप लोग कैबेज वाली सब्जी हर साल लगाइए, अगर आप लोगों को जल्दी हार्वेस्ट चाहिए तो। बाकी अगर आप अदर सब्जी लगाते हो तो जल्दी ही आप लोग को हार्वेस्ट मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पौधे की क्या वो बेसिक केयर करनी है हार्वेस्टिंग के बाद ताकि पौधे में दोबारा से खूब सारे फल और फूल लग पाए। यहाँ पे हमने लिया है फ्रेंड्स काउडंग कॉम्पोस्ट, जो कि मैंने 2 दिन पहले अच्छी तरह से पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम इसे इसलिए पौधे में डालेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन होता है और पौधे के अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे की ना केवल इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो पौधे की ग्रीनरी को भी इन्हेंस करता है, पौधे की क्वालिटी को भी इन्हेंस करता है। इसलिए आप लोगों को काउडंग कॉम्पोस्ट ज़रूर डालना है। मैंने यहाँ पे आप लोग को कोई भी ऐसी फर्टिलाइज़र या मैन्योर नहीं बताया जो कि आपको अफोर्डेबल ना हो। यहाँ पे ये इतना सस्ता और इतना चीप फर्टिलाइज़र मैंने बताया है कि आप नहीं गरीब से गरीब इंसान भी इसको ज़रूर से ज़रूर डाल सकता है। मैं यहाँ पे बात गरीब अमीर से नहीं करता। कई बार हम लोग को अवेलेबिलिटी नहीं होती है महंगी खादों की जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, बट हम यही ललचा के रह जाते हैं कि काश हम डाल पाते। तो इसीलिए मैं कम से कम खर्च में ऐसी टिप्स या ऐसी मैं आप लोग को फर्टिलाइज़र या मैन्योर शो करने की कोशिश करता हूँ कि हम सब डाल पाएँ और हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वेजिटेबल्स को अपने टेरेस गार्डन पर ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे जब आप डाल दोगे ना एक बार तो आपके पौधे में जल्दी ही दोबारा ब्रोकली आ जाएगी, और ब्रोकली की तो स्पीशी यही है कि अदर कैबेज वाले प्लांट में जल्दी ही फ्रूट नहीं बनता, बट अगर आप ब्रोकली की बात करो तो ब्रोकली में जल्दी ही एक साइड से नया हेड बन जाता है।
तो इसीलिए मैंने ब्रोकली हार्वेस्ट करी, तो मैंने ब्रोकली की वीडियो बनाई। साथ ही साथ ना केवल आप इस काउडंग वाली फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डाल सकते हो, आप लोग इसे हर एक प्रकार के पौधे में डाल सकते हो। इसीलिए मैंने ये फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर किया कि सब लोग इसे डाल लें, और एक बार बनाने में कम से कम ही आपका 3 से 4 महीना अच्छे से चलेगा अगर आप लोग इसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में बनाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर बचाइए। इसे मैंने कई लोग को देखा है बताते हुए कि इसे छान के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये वीडियो को थोड़ा एनहेंस करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग इसका ऊपर का डालेंगे छिलका या जो ऊपर का इसका वेस्ट बचेगा, तो वो भी पौधों में सड़ के फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो बताइए कैसी लगी वीडियो। बाकी थैंक यू।